हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम चैप्टर वन ऑफ हिस्ट्री क्लास टेन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को कंप्लीट करेंगे एंड जस्ट आई आल्सो नो डैट फॉर द सेशन 2021 टू 22 आप लोग का एग्जाम 30 नवंबर को है सो फॉर डैट हम ये शॉर्ट रिविजन कर रहे हैं एंड प्लस इसकी एम सीरीज भी होगी एंड के फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग की भी एम सी सीरीज बन रखी है जिसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है और जैसा कि आप सबको पता है किसी से पूछ लीजिए ट्वेल्थ वगैरह से पूछ लीजिए क्योंकि बिकॉज दे हैव गिवन द बोर्ड एग्जाम कि अगर आपने एनसीआर पढ़ ली एक बार आपका एन का कंसेप्ट क्लियर है ठीक है मेरे कहने का मतलब अगर ये जो वीडियो है आपने अगर टू टाइम्स देख ली तो इसका मतलब बाय हार्ट तो आपका ये चैप्टर रिवाइज होगा चैप्टर रिवाइज होगा उसके बाद जाकर आप जो है टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन करो कोई भी एम सॉल्व करो अगर आप उसको बना पा रहे हो देन यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम तो स्टार्ट करते हैं ये रिवीजन ऐसा नहीं होगा और शॉर्ट रिवीजन है तो उसका मतलब ऊपर ऊपर से देखेंगे हर एक जो पिक्चर बेस्ड होगा बॉक्स होगा हम सबको इसमें कवर अप करेंगे ओके सो बेसिकली ऑब्वियसली ये एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है तो ये पार्ट्स में होगी अब यहाँ पर सबसे पहले ये फोटो आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस जो कि आप पढ़ते आ रहे हो ठीक है फाइनली इससे छुटकारा मिल जाएगा थर्टी नवंबर को ठीक है ये फोटो आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ गॉड्स हैं ठीक है यहाँ नीचे डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं एंड यह है, है स्टैचू ऑफ लिबर्टी अब इस स्टेचू ऑफ लिबर्टी को ध्यान से देखो तो एक हाथ में इसने टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड एन दूसरे हाथ में चार्टर्स ऑफ द मैन राइट की जो बुक है वो पकड़ रखी है यहाँ पर आप फ्लैग्स भी देख रहे हो ठीक है बिल्कुल फ्लैग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पूछ, पूछा जा सकता है वो भी हम देखेंगे एंड इसका नही है तो द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक बेसिकली नाम क्या है इसका डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक द पैक्ट बिटवीन द नेशंस नेशन अड बाय द फ्रेडरिक सो जितने भी इस बुक में पिक्चर्स हैं ना सबके पेंटर का नाम लिखा है लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पेंटर है जो पूछा जा सकता है वो है एक ये और दूसरा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं भी आपको बताऊंगी ओके इन 1848 फ्रेडरिक सोडियो ने यह पेंटिंग बनाई थी बहुत बच्चे इसको लिख देते एटीन थर्टी ठीक है तो सिंपल सी बात है एटीन फोर्टी एट में फ्रेडरिक सोरियो ने फ्रेंच आर्टिस्ट था एंड मैं इसमें इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाऊंगी आप अपनी बुक लेकर बैठना एंड जस्ट उसमें हाईलाइटर होगा सबके पास उसे मार्क कर सकते हो वरना यू कैन यूज एनी स्केच पेन हाईलाइटर ओके येलो स्केच पेन एनी स्केच पेन जो कि थोड़ा लाइट हो ओके okay? जिसके ऊपर ब्लैक ईजिली अवेलेबल हो विजिबल हो ओके एटीन फोर्टी एट में जो फ्रेडरिक सोरियो थे वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये फोर प्रिंट्स विजुअलाइजिंग उन्होंने ये अपनी पेंटिंग बनाई थी जो उन्होंने ऐसा सोचा था उन्होंने ये डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक सोचा था कि जैसे ये कंट्रीज जो कि निकल चुकी हैं इसको क्रॉस कर कर ठीक है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर कर और इसी को सब फॉलो करते करते धीरे धीरे सभी डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक हो जाएंगे ऐसा उन्होंने सोचा था तो ये उन्होंने फोर प्रिंट्स की जो सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स की ड्राइंग है इसको बनाया था जो द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ द यूरोप एंड द अमेरिका men and women of all ages social class marching in the long, लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होम एज टू द स्टेचू ऑफ लिबर्टी ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना तो आ, ये पूछा जाता है बेसिकली कि ये किसको क्रॉस कर रहे हैं या फिर ये जो स्टैचू ऑफ मतलब टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और चार्टर्स ऑफ राइट ऑफ मैन की जो बुक है वो किसके हैंड में स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्टैचू ऑफ राइट ऐसे करके डिफरेंट ऑप्शन तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लिबर्टी को ध्यान से ये लास्ट का देखते ही नहीं है तो आपको देखना स्टैचू ऑफ लिबर्टी लिखा होगा तो ही टिक करना है ओके कि किसके हाथ में ये सब है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हैंड में ठीक है और यहाँ पर आप देख रहे हो यूरोप एंड अमेरिका के जो लोग हैं मैन और वुमेन सारे एज के मतलब छोटे बड़े सारे बच्चे सोशल क्लासेस सब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं फर्स्ट प्रिंट में आपको इस तरफ ठीक है यहाँ पर जो आपको इधर दिख रहा है एकदम ओके नेक्स्ट है कि एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द यहाँ पर मार्क करते चलते हैं ठीक है ये यूरोप एंड अमेरिका

फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो लिबर्टी ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी इसको एक फीमेल फिगर माना जाता था ठीक है कि ये फीमेल है एंड इनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है एंड दूसरे हाथ में चार्टर्स ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर ठीक है जस्ट मार्केट ओके फीमेल फिगर को उस टाइम पे इसको uh, माना जाता था एंड दिस वन टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड चार्टर्स ऑफ द राइट ऑफ मैन ओके ऑन द अर्थ इन द फोर ग्राउंड द इमेज लाइ ऑन द रिन्स अब जैसा कि पेंटिंग का नाम ही है डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक फोर प्रिंस का यहाँ पर सीरीज दिखाया गया है आपको तो जाहिर सी बात है कि ये मुनार्क को हटाना चाह रहे होंगे एंड जमीन पे अगर आप देखो तो ये ताज वगैरह पड़े हुए हैं ठीक है तो इसका कहने का मतलब क्या है कि मुनार्की हटाओ एंड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जो सारे नेशंस को बनाओ ओके okay? तो लाइ इन द शैटर्ड रिमेन्स द सिंबल ऑफ द एब्सोल्यूटिस इंस्टीट्यूशन किसके बेसिकली uh, uh, ये दर्शाता है ठीक है तो ये एप्सल्यूटिस इंस्टीट्यूशन को एन एप्सल्यूटिस इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है जब ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना तो आपको दो तरीके के ऑप्शन मिलेंगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द रूल डेट हैज नो स्ट्रीट ऑन द पावर एक्सरसाइज या तो आपको ये ऑप्शन में होगा तो आप ये टिक करना एंड बाकी अलग होंगे या तो दूसरा ऑप्शन आपको यह दिया जाएगा कि रेफर्स टू फॉर्म ऑफ मोनार्कल गवर्नमेंट एट वो सेंट्रलाइज मिलिट्राइज या फिर रिप्रेसिव ठीक है ये जो एब्सोलूटेस्ट नेशंस थे मतलब जो पहले के राजा महाराजा थे ठीक है ये इनका ऐसा मतलब इन्हीं की पावर चलती थी तो ये जो पावर है ये हटानी है लिखा गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ द रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर पावरसाइज ठीक है या तो आप ये कह दो दूसरे वर्ड में अगर हिस्ट्री के टर्म में कहो तो रेफर टू द फॉर्म ऑफ द मोनार्कियल गवर्नमेंट एंड दैट वॉज अ सेंट्रलाइज्ड मिलिटरलाइज्ड रिप्रेसिव ठीक है लोगों पे थोड़ा मतलब लोगों पर प्रे, प्रेशर बना के रखना ठीक है सारे पावर सेंट्रलाइज्ड होना ठीक है मिलिटराइज मतलब आर्मी अच्छी खासी होती थी बट वॉब सी बातें लोगों के काम नहीं आती थी तो इस तरीके की जो मुनार्कल गवर्नमेंट है इसका मतलब होता है एब्सोल्यूटेस्ट ओके एंड ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया दो ऑप्शन तरीके में आते हैं एंड कंफ्यूज किसमें होते हैं इस वाले में ओके इन सूर्योज यूटोपियन विजन अब यहाँ पे सूर्यो की बात की गई सूर्यो का जो यूटोपियन विजन है द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज डिस्टिंग डिस्टिंग नेशन डिस्टिंग को आप डिफरेंट बोलते हो डिफरेंट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देअर फ्लैग्स एंड द नेशनल कॉस्ट्यूम आप उनके कॉस्ट्यूम्स एंड उनके फ्लैग्स से आप उनको पहचान रहे हो ठीक है तो अब यूटोपियन विजन का मतलब देख लिया था विजन ऑफ द सोसाइटी डैट इज सो आइडियल डेट इज अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट तो ऐसा तो कुछ जो आप सोच रहे हो और जो हो ही नहीं सकता मतलब अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट है बट हां इतना आइडियल है कि क्या पता मतलब बहुत आगे चल के ऐसा हो ठीक है तो इस तरीके के, के यूटोपियन को आप कहते हो ऐसा नहीं है कि नेवर एग्जिस्ट विच इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट ठीक है नेवर वर्ड भी इसमें करेक्ट नहीं होगा इसमें अनलाइकली करेक्ट होगा ओके

वो है यूनाइटेड स्टेट स्विट्जरलैंड ओके ये दो कंट्रीज हैं जो कि नेशन स्टेट बन चुकी हैं और फ्रेडिक सोरियो ये अपने पेंडिंग में दिखाना चाहते हैं यही यूटोपियन विजन है उनका कि बाकी भी बिल्कुल इसी को फॉलो करते करते जा रही हैं एंड धीरे धीरे ये भी गेन कर लेंगे एंड जस्ट उसके बाद आता है फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर ही जस्ट रीच द स्टैच्यू और यहां पर आप फ्रांस को देख रहे हो जस्ट यहां आप ये जो देख रहे हो ये फ्रांस का फ्लैग कि ये जस्ट पहुंचने ही वाला है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास इसका मतलब जस्ट इसको भी फ्रीडम मिलने वाली है इस इस कंट्री को भी फ्रांस को ठीक है फिर उसके शीज फॉलो अब फ्रांस के बाद फ्रांस के बाद फ्रांस को कौन फॉलो कर रहा है जर्मनी क्योंकि अभी जब आप पढ़ोगे ना कि फ्रांस में जब ये हो चुका था रिवोल्यूशन हो चुका था फ्रांस क्या सोच रहा था कि हमको ये अपने आइडियाज रिवल्यूशन के आइडियाज जर्मनी तक भी भेजने चाहिए ताकि जर्मनी को भी डेपोटिज्म से राहत मिले ठीक है तो अब यहां पर आप देखो कि इसके पीछे इसको कौन फॉलो कर रहा है जर्मनी ओके आप जर्मनी के फ्लैग का कलर पता है ब्लैक रेड एंड गोल्डन फ्लैग तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक रेड एंड गोल्डन ओके ये ये हालांकि सेम ही लग रहा है ये तो आप पूरा कंसीडर कर सकते हो कि ये पूरा ही क्या है जर्मनी एंड इन लोगों को आप क्या कंसीडर करोगे इन लोगों को इन लोगों का फ्रांस कंसिडर करोगे जो उधर एकदम निकल चुके हैं ये देख रहे हो ना आई होप यहाँ पर आपको यूएसए का फ्लैग दिख रहा होगा ठीक है यहाँ पर तो ये ठीक है मैंने तो खराब कर दिया तो अभी आप यहाँ देख रहे हो अपने बुक आप बुक लेके बैठे हो उसमें देखना कि ये, ये जो यहां निकल चुके हैं ये यूएसए स्विट्जरलैंड है ये जो यहाँ पर जस्ट पास हुए है ये देखो यहाँ पर ब्लैक व्हाइट एंड रेड में जो आपको फ्लैग दिख रहा है ये फ्रांस का फ्लैग है एंड फिर ये जो आपको ब्लैक रेड और गोल्डन में दिख रहा है जर्मनी का बिल्कुल पूछा जा सकता है कि बताओ फ्लैग का कलर ओके तो जर्मनी जस्ट अभी किसको फॉलो कर रहा है फ्रांस को फॉलो कर रहा है इंटरेस्टिंगली तो आप इसको मार्क कर लो ऑब्वियस बात है कि फ्लैग का कलर ओके इंटरेस्टिंगली एट द सेम टाइम इन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ नेशन यूनाइटेड नेशन स्टेट द फ्लैग दे कैरी एज एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द लिबरल होप इन एटीन फोर्टी एट टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इन टू द नेशन स्टेट अंडर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अब यहाँ पर क्या है इंटीग्रिटी सोरियो क्रिएटेड सोरियो ने इमेज बनाई है तो जर्मन पीपल ऑब्वियसली उन्होंने ना ही ऐसा सोचा था ना ही वो ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ हमारा नेशन भी यूनाइट होगा उन्होंने ये जो अपना फ्लैग कैरी किया ये इसी होप से कैरी किया कि हाँ हमें फ्रीडम मिल जाएगी कलर्स भी ऐसे यूज़ किए हैं फ्रीडम से रिलेटेड ठीक है एटीन में ये सब शुरू हुआ ठीक है उनका यूनिफिकेशन वगैरह नेक्स्ट फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ द अप जर्मन को कौन फॉलो कर रहा है जैसे मैंने बताया ये क्या है ये आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ठीक है इसने ये जैसे मैं ऐसे बना एक हाथ में ये एंड एक हाथ में उसने कुछ और पकड़ रखा है ठीक है यहां पर जो पास हो चुके हैं वो है यूएसए एंड स्विट्जरलैंड ठीक है जो यहां पहुंचे हैं वो कौन है फ्रांस ठीक है कौन से कलर में ब्लैक व्हाइट एंड रेड ओके अब फ्रांस को कौन फॉलो कर रहा है जर्मनी कौन से फ्लैग के कलर के साथ बी आर जी के साथ बी आर जी यानी ब्लैक रेड गोल्डन ठीक है लिख लो यहां पर बी आर जी अब जर्मनी को कौन फॉलो कर रहा है जर्मनी को फॉलो कर रहे हैं ऑस्ट्रिया किंगडम ऑफ टू सीलीज लोम्बादी पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी एंड रशिया ये सारी कंट्रीज जर्मनी को फॉलो कर रही हैं ओके जस्ट हाईलाइट दिस इंपॉर्टेंट है एंड अगर एक बार आप चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा क्यों अब कैसे क्योंकि अभी आप आगे देखोगे कि तो किंगडम ऑफ द टू सीलीज और बर्ड आएगा आयरलैंड को भी बाद में जो है उसके साथ जोड़ लिया जाता है यूनाइटेड ब्रिटेन uh, के साथ ठीक है एंड वो एक नेशन स्टेट बन जाता है पोलैंड इन सब के साथ भी यही सेम होता है ठीक है तो ये आपको नेम अपने आप ही याद हो जाएंगे इसके ऑस्ट्रिया किंगडम ऑफ टू सीलीज बट याद ज़रूर कर लेना क्योंकि मार्क वाला तो एक भी मत छोड़ना फ्रॉम द हेवन अबव क्रिस्टन अब थोड़ा सा भगवान के बारे में बात कर लेते हैं जितने भी क्राइस्ट हैं सेंट्स हैं एंजल्स हैं गेज अप ऑन द सीन वो सीन के ऊपर छाए हुए हैं मतलब दे हैव बीन यूज अ वो आर्टिस्ट ने उनको इस तरीके से यूज किया कि वो क्या दर्शाता है अब बिल्कुल पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये जो गॉड्स वगैरह हैं ये क्या दर्शा रहे हैं सुबर्निटी फ्रिटर्निटी नेशनलिज्म या डेमोक्रेटिक क्या दर्शा रहे हैं तो आप करोगे फ्रिटर्निटी ठीक है किसके सिंबल्स को फ्रिटर्निटी के सिंबल को, सिंबल को ये आ, शो कर रहे हैं जितने भी गॉड्स हैं ठीक है कि मतलब हाँ इन सब में कामयाब हो ठीक है ये, ये देखो पिक्चर के ऊपर इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है फ्रेटर्निटी तो जाहिर सी बात है ये पिक्चर दे के तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं बिना पिक्चर के पूछेंगे तो फ्रेटर्निटी यहाँ पे हो गया नेक्स्ट द चैप्टर विल डील विद द मेनी इशू विजुअलाइज्ड बाय द सूर्यो अब जैसे सूर्यो ने पेंटिंग तो बना दी बट ये पेंटिंग बनाई उसने और पेंटिंग किसके बारे में थी डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के बारे में लेकिन इतना ज्यादा नेशंस को आजाद करवाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आई क्या क्या इश्यूज आए वो हम इस चैप्टर में देखेंगे ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी नेशनलिज्म एमोर्ज एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पोलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप ठीक है अब नाइनटीन सेंचुरी की बात है कि नाइनटीन सेंचुरी में जो नेशनलिज्म है ऑब्वियसली एक फोर्स की तरह एमोर्ज हुआ मतलब एकदम से आया एंड जस्ट सब कुछ पूरा पॉलिटिकल पूरा मेंटल वर्ल्ड सब कुछ चेंज कर दिया नेशनलिज्म ने ठीक है ये वर्ड आपने कितनी जगह पढ़ा होगा द एंड रिजल्ट ऑफ दिज चेंजेस वॉर द एमरजेंस ऑफ द और हाँ हालांकि रिजल्ट अच्छा रहा नेशन स्टेट बन गई इन द प्लेस मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ द यूरोप द कंसेप्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ द मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवन कंट्रोल ओवर द क्लियरली डिफाइंड टेरेटरी बीन डेवलपिंग ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम इन द यूरोप यहाँ पर यह बता रखा है कि जो पावर uh, एक्सरसाइज थी कंट्रोल थी वो क्लियरली डिफाइंड द टेरिटरी हैज़ डेवलपिंग अलॉन्ग तो ये सब चला आ रहा था वही सब नेशन स्टेट बन गया मॉडर्न स्टेट भी बन गया ठीक है बट अ नेशन स्टेट वो कैसे बना वो भी आप देखोगे क्या क्या कोड आए नेपोलियनिक कोड ये सब कोड सब आपको पता है मेरे को पता है बट जो छोटी छोटी चीज़ें जो आप मिक्स करते हो ना जस्ट वही हम यहाँ कवर करें बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स नेशन स्टेट एक ऐसा जिसमें मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड शेयर द हिस्ट्री ऑफ द डीसेंट ठीक है तो यहाँ पे जो इतना नेशन स्टेट नेशन स्टेट कर है ना ये वाला बॉक्स पूरा ही नेशन स्टेट के बारे में कि नेशन स्टेट वो होता है जिसमें सिर्फ रूलर ही नहीं मतलब जो रूल कर रहा है राजा ही नहीं जित हर एक सिटीजन को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो मतलब लगे कि हाँ ये हमारा स्टेट है हाँ हमारा स्टेट है हम यहाँ रह रहे हैं यहाँ इक्वालिटी है ठीक है हमारी हिस्ट्री से हमें कुछ सीखने को मिला कुछ ऐसा कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए सबकी ठीक है कि लोग अपना रिलीजन बताने से पहले अपना देश बताए कि हाँ इस देश से बिलोंग करते हैं ठीक है दिस कॉमनस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इन मेमोरियल इट वॉज फॉरगर्ड थ्रू द स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शंस ऑफ द लीडर्स एंड द कॉमन पीपल बिल्कुल कि ये जितना भी ये जो टाइम रहा है ठीक है ये स्ट्रगल से आया मतलब ये नेशन स्टेट कैसे बना है बहुत सारा स्ट्रगल किया है बहुत सारा एक्शंस हुआ है ठीक है कॉमन पीपल सिर्फ रूलर्स ने नहीं जो कॉमन पीपल थे लीडर्स ने नहीं कॉमन पीपल सब ने एक साथ मिलकर ये काम किया है दिस चैप्टर विल लुक द तो यही आप पूरा इसमें देखोगे ठीक है अब एक बार ये पढ़ लेते हैं एरनेस्ट रेनन ठीक है कुछ होना हो ये जो वॉट इज नेशन वाली बात है किसने बताई थी एरनेस्ट रेनन ने बताई थी ये कर लो ठीक है जो एकदम इंपॉर्टेंट होगा जस्ट आई एम मार्किंग डैट ओनली लेक्चर डिलीवर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बन एटी टू में एक लेक्चर था जो कि एक फ्रेंच फिलॉसफर ने दिया थाच फर एटीन ट्वेंटी थ्री टू नाइन नाइन टू एक उन्होंने लेक्चर दिया कि नेशन क्या है बेसिकली तो दैक्चर वो सबसे क्वेंटली पब्लिश ऐसे तो एक ऐसे की तरह इन्होंने अपना लेक्चर दिया फिर वो बाद में ऐसे बन गया ठीक है तो उसका नाम यहाँ पर क्वेस्ट ये हो गया ठीक है आई होप नो आई डोंट थिंक सो कितना इंपॉर्टेंट है बट इतना रखना कि लेक्चर का नेम अगर हम वैसे मतलब में देखें तो तो होता है इसमें जो रेनन थे उन्होंने उन्होंने कमियां निकाली कि ये जो लोग कहते हैं ना ने कि नेशन वो होता है जो कि टेरिटरी के बेसिस पर बनता है रिलीजन के बेसिस पर रेस के बेसिस पर लैंग्वेज के बेसिस बनता है चाहे इन सबको मिला के ही क्यों ना बने वो नेशन नहीं होता उन्होंने इसमें बहुत सारी गलतियाँ एंड बहुत सारा इसमें निकाला यहाँ पर तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने नेशन का सही मतलब बताया क्या क्या गलतियां निकाली इसका भी पूरा लिखा होगा बट हम देखेंगे कि मतलब क्या था तो नेशन क्या होता है ये बिल्कुल ऑप्शन में दिया जा सकता है कि नेशन क्या है तो ये देख लो ठीक है यहाँ पर अब हम इसको पढ़ते हैं दो ऑप्शन हो सकते हैं या तो ये या तो ये वाला अ नेशन इज अ कल्बिनेशन ऑफ द लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिवियर्स सेक्रीफाइस एंड द डिवोशन नेशन वो होता है कि जो कि अपने एंडिवियर्स जो कि अपने सेक्रीफाइस जो कि अपने डिवोशन कितना देशभक्ति है कितना स्ट्रगल किया है आपने कितना देश के प्रति आपका प्यार है कि मतलब आप देश के लिए कुछ भी कर सकते हो ठीक है कितनी कॉमन आइडेंटिटी है जैसा कि पहले कहा इसको कहते हैं हम नेशन ठीक है लैंग्वेज रेस ये सब तो कहीं बोला ही नहीं जाता नेशन में ठीक है हीरो पास्ट एंड आपका जो पास्ट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए मतलब एकदम फिल्म का जो होता है ना जैसे हीरो आते ही आप एकदम खुश हो जाते हो वगैरह तो वैसा एकदम हीरो पास्ट ही होना चाहिए ग्रेट मैंस होनी चाहिए ग्लोरी सोशल कैपिटल अपॉन विच ऑन ऑफ द बेसिस ऑफ द नेशनल आइडिया ठीक है आपके नेशनल आइडिया से भी कोई प्रभावित हो ऐसा कुछ ठीक है कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट टू हैव द कॉमन विल्स इन द प्रेजेंट ठीक है पास्ट में भी अच्छा रहा आने वाला भी अच्छा हो जो आप ठीक है सब साथ में रहें टू तो विश टू तो परफॉर्म दिस स्टिल मोर एंड जो भी आगे हो वो अच्छा हो और इससे ज़्यादा अच्छा हो दीज आद असेंशियल कंडीशन ऑफ द बींग अ पीपल ठीक है आप अगर ए, एक देश के नागरिक हो तो आपका यही मेन आपकी असेंशियल कंडीशन होनी चाहिए और कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि हमें यह आज़ादी दे दो इसकी आज़ादी दे दो आपका यही मेन होना चाहिए अ नेशन इज देयर फॉर अ लार्ज स्केल सोलिडेट्री इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेरी प्लेबिसेंट इसका एग्जिस्टेंस ये क्वेश्चन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बल्कि तो रेड से मार्क कर लो इसको ठीक है कि प्लेबिसाइड क्या होता है एक नेशन प्लेबिसाइड पर ही जीता है एक नेशन ठीक है नेशन वही होता है बल्कि तो प्लेबिसाइड क्या होता है छोटा से छोटा अगर कोई भी प्रपोजल पास होना है कोई भी लॉ पास होना है उसमें डायरेक्ट वोट लोग डायरेक्ट ही बता रहे हैं कि हाँ हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है उस प्रपोजल को बस वही है नेशन स्टेट जिसमें लोगों की डायरेक्ट बात सुनी जा रही है डायरेक्ट वोट बाई विच ऑल द पीपल ऑफ द रीजन आर आस्ट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल इज इट्स इनबिटेंट इफ एनी वन हैज द राइट टू बी कंसल्टिड इट इज द इनबिटेंट अ नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट इन एंड होल्डिंग टू द कंट्री यही लिखा हुआ है कि एक प्रोविंज यानी एक स्टेट जो है कभी भी ये नहीं चाहेगा कि दूसरे की कन, जो कंट्री है वो हड़पनी है ठीक है उस पर जमाना है अपना कंट्रोल द ए्जिस्टेंस ऑफ द नेशन स्टेट एक गुड थिंग है ठीक है एक नेशन स्टेट होना यह बहुत अच्छी बात है ठीक है कि ऑब्वियसली बात है कि अगर वो एक नेशन स्टेट है तो उसमें कुछ ना कुछ बात होगी तो ये इट्स गुड थिंग द एग्जिस्टेंस इज गैरंटीड ऑफ द लिबर्टी विच वुड बी द लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर ठीक है इफ देर इज अर बैकग्राउंड ठीक है डिस्टर्ब प्लीज इग्नोर दैट ठीक है

ये क्वेश्चन तो हर जगह ही सुना होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट आया क्लियर एक्सप्रेशन मतलब यूएस ए स्विजरलैंड तो हो गए थे ऑब्वियसली यूएसए स्विट्जरलैंड का क्या नेशन कैसे आजाद हुए उसमें तो इतना सा भी बात नहीं किया गया तो स्टार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हुआ है और फ्रेंच रेवोल्यूशन को कौन फॉलो करा था जर्मनी एंड जस्ट जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी लोम्बेर किंगडम ऑफ टू सीरीज आयरलैंड इंग्लैंड वो सब थे ठीक है तो यहाँ पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है सेवनटीन में देखा गया था ठीक है यहीं पर रेवोल्यूशन आया था वो सब फुल फ्लेज ये क्वेश्चन भी आता है ठीक है कि यहाँ पर इसको पहले मार्क कर लो यहाँ पर पूछा जाएगा कि फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ द सिटीजन कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो मोनार्की से कहाँ ट्रांसफर हुआ ठीक है मोनार्की से सुवर्निटी फ्रिटर्निटी किस किधर गया तो इसको आपको मार्क ध्यान रखना है कि सोवर्निटी फ्रॉम द मोनारकी टू द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन फ्रेंच के लोगों के पास मोनार्की से क्या चीज मोनार्की हट कर क्या चीज गई सुबर्निटी गई एंड एंडी नाइन बात है कि पहले ये 1789, जब पहले ये एक एप्सिलेट मोनार्क के अंडर में था द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज डेट केम इन द वेक ऑफ द द फ्रेंच टू ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से गया है सुबर्निटी फ्रॉम द मोनार्की ओके नेक्स्ट to a body of the friend, the revolution proclaimed that it was a people who would henceforth continue the nation shape and its destiny. तो अभी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये revolution हमें ये बताता है ये सिर्फ सबको ये सीख देता है ठीक है इन्होंने जो अपने आइडियाज़ भी लोगों तक पहुँचाए थे ना तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पहुँचाई थी कि जो लोग हैं जो कंट्री के लोग हैं पीपल हैं ठीक है राजा ने पीपल हैं वही एक कंट्री को नेशन बना सकते हैं वही उसको शेप दे सकते हैं ठीक है एक अच्छा नेशन स्टेट कहलाना कहला सकते हैं ठीक है अब उस इन सब चीज़ों के लिए अब ये तो बन गया मुनार्की हट गई सुवर्निटी आ गई अब जैसा कि यहाँ पर लिखा है तो उसको करके भी दिखाना पड़ेगा तो लोगों ने कुछ एक मतलब अलग अलग चीजें परफॉर्म की अपने अपने स्टेट को शेप देने के लिए ओके अपनी कंट्री को शेप देने के लिए बेसिकली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस various मेजर्स एंड द practices दैट could क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव identity अमंग द फ्रेंच पीपल ठीक है अब कुछ इनको ऐसा करना था कि ये बात एकदम सिद्ध हो जाए ठीक है कि हाँ लोग ही होते हैं जो एक कंट्री को शेप देते हैं तो कुछ ऐसा करना था कि लोग एकदम साथ में मिलजुल के रहने लगे तो इन्होंने जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता की जय इससे क्या होता है कि सब लोग जो है ऑब्वियसली इतना ज़्यादा विश्वास हो गया कि सब ये भारत माता की जय फेमस मतलब कुछ लोग तो बिलीव भी करते हैं तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही शुरू किया इन्होंने क्या किया ला पैथरी एंड ला सिटी मतलब हम भारत माता बोलते हैं इनको ने हम मदरलैंड बोलते हैं इन्होंने, इन्होंने, इन्होंने फादरलैंड तो बोला कि हमारी कंट्री जो फादर है फादरलैंड है एंड दूसरा इन्होंने बोला कि ला सिटी सिटीजन हमारी कंट्री के लिए दो चीजें मायने रखती है हमारा फादरलैंड एंड एक हमारे कंट्री के, के सिटीजन ले सिटी एम्फिस इज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉयंग द इक्वल राइट्स एंड सब लोग इसमें इक्वल राइट्स इंजॉय करेंगे सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे ओके okay, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगा अब ये कैसे हो सकता है कि भाई ये चीज नमक करवाइयो अब फिर यहाँ है कि अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चूज्ड टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड पहले उन रॉयल टाइप सा कोई फ्लैग होता था तो सिंपल बोला कि कोई रॉयल फ्लैग में ऐसा डिजाइन वगैरह नहीं, नहीं बना होता फ्लैग पे अब सिंपल तीन कलर का फ्लैग होगा एंड द स्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड बाय द अब ये हम सब तो मार्क कर, दे, कर नहीं देंगे एंड ये सब बात आपको पता है द स्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली अब ये सबको पता है कि स्टेट जर्नल जो है ये मतलब इसमें ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट आपने पढ़ा होगा ठीक है फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट एंड लास्ट एंड फर्स्ट स्टेट में क्लर्जीज वगैरह नोबेलिटीज वगैरह रहते थे नाइन्थ में पढ़ा होगा अब इतना कहाँ याद होगा ठीक है तो उसका नाम हटाकर नेशनल असेंबली रख दिया गया ये क्वेश्चन तो सबको पता है कि हां भाई स्टेट जनरल का नेशनल असेंबली पूछा क्या जाता है कि इस नेशनल असेंबली में कैसे थे एक्टिव सिटीजन अबव एज तो कैसेजन जो थे वो एक्टिव थे ऐसा नहीं जो एक्टिव होते हैं ठीक है मतलब मीनस एज वाइस ठीक है एज थी न्यू हिम्स वर कंपोज नए नए हिम्स कंपोज किए गए मतलब नेशनल एंथम वगैरह ओथ्स टेकन मैन मैट्रज कामोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशंस ठीक है असेंट्रलाइज जैसे हम बनाते नहीं असत्य में जैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर ऐसे बनाए गए ठीक है असेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वट इज वट इज वॉज पुट इन द प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरेटरी एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो तो कि एकदम वॉज पुट इन द प्लेस इन एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज लॉज वगैरह अलग बनाए गए यू नो लॉ बुक्स वगैरह जिसमें लॉज लिखे हुए हैं राइट्स सबको मिले एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो सब कुछ देखे वगैरह ठीक है एंड ऐसा नहीं था कि भेदभाव हो ठीक है तो नेक्स्ट इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर अबॉलिस्ड जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी कि हाँ भाई इस स्टेट से इस स्टेट में जाओगे तब करेंसी चेंज होगी ये इतना टैक्स देना पड़ेगा ये ये सब अबॉलिश किया गया एक ही वेट एक ही मेजर को अडॉप्ट किया गया रीजनल डायलैक्ट्स वर्ड डिस्करेज ये याद कर लो ठीक है रीजनल डायलैक्ट्स डिस्करेज तो ऑब्वियसली कोई रीजनल ऐसे ऐसे नहीं होगा ठीक है फ्रेंच एंड अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है या अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रेंच उन्होंने कॉमन लैंग्वेज बाल ली मानी फ्रेंच वो बोलते आ, लिखते मतलब बोलते थे एंड लिखते क्या थे पारसी से मेरा ये आपको बताने का बहुत मतलब बेसिकली इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो पर्पज से मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ ठीक है तो वही चीज एकदम ऐसे दिमाग में चल रही थी इसलिए टंगी ट्विस्ट हो रही है ओके okay, तो फ्रेंच एज इट फॉज स्पोकन एंड रिटन इन द पेरिस वो लोग क्या करते थे फ्रेंच बोलते थे एंड फ्रेंच को उन्होंने कॉमन लैंग्वेज भी बता रखा था एंड पेरिस को वो लिखते थे तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या ऐसी एक चीज थी जो नहीं होनी चाहिए थी ऑब्ली बात है इन्होंने सारी चीजें बहुत अच्छी की सब कुछ अच्छा किया बट एक ऐसी कौन सी चीजें जो इनका मतलब नहीं करनी चाहिए थी इन्होंने तो ऑब्वैस ही बात है फ्रेंच को इन्होंने कॉमन लैंग्वेज बना दिया कि हाँ भाई फ्रेंच ही बोलनी है ठीक है ये चीज अब यहाँ नेक्स्ट देखो जैसा कि मैंने बताया था कि फ़्रांस वाले क्या करेंगे अब अपने आइडियाज़ को दूसरे देशों में पढ़ाएंगे पहुँचाएंगे अब दूसरे देशों से अच्छा सबसे पहले यूरोप में पहुँचाते हैं ठीक है द रिवोल्यूशनरी फॉर द डिक्लेयर डेट इट वॉज अ मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रांस नेशन टू लिबरेट द पीपल ये उनका मिशन था हमेशा से मिशन रहा है कि फ्रांस के पीपल को लिबरेट करना फ्री करना ठीक है एंड यूरोप के पीपल्स को भी सेम ऐसे यू नो लिबरेट द पीपल ऑफ द अभी उनका ये नेक्स्ट मिशन है एक्चुअली ठीक है यूरोप के लोगों को ये जो डेपोटिज्म चल रहा है इससे बचाना ठीक है लिबरेट करना अपने आइडियाज उन तक पहुंचाना तो अब व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट इन द फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ द यूरोप अब जैसे ही यहां पर ये आ गया फ्रांस ठीक है एंड यहां दूसरा स्टेट है कौन सा स्टेट मान लें यूरोप ठीक है जब आइडियाज फ्रांस के उठ के यूरोप में गए अब यूरोप में क्या हुआ यूरोप में स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर जो भी छोटे मोटे एजुकेटेड मिडिल क्लास के थे इन्होंने क्लब्स बनाना शुरू कर दिए जैकोबिन क्लब ठीक है इसका नाम तो सुना जैकिन जैकोबिन क्लब फॉर्म कर दिया और ये कब हुआ जब फ्रांस के आइडियाज उठ के कौन कौन से आइडियाज यही जो आइडियाज आप यहाँ पढ़े हो ठीक है ये आइडियाज उठ के कहाँ गए यूरोप अब वो क्या करने लगे उनकी एक्टिविटीज कैंपिंग्स ठीक है वर प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू द आर्मीज फ्रेंच आर्मीज में मूव करने लगे क्यों मूव कर रही है अपने एक्टिविटी जो जो उन्होंने किया जो जो कैंपेन्स उन्होंने की है ठीक है जो भी रिवोल्यूशन में उन्होंने किया वो सब दूसरे कंट्रीज में दूसरे कंट्रीज में बताने के लिए होलैंड हो गया बेल्जियम हो गया स्विट्जरलैंड हो गया एंड मच इटली ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट हालांकि अब यहाँ पर आपको पता है डेट से नहीं डरना चाहिए स्टेट्स से, से डरना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेट्स हैं ठीक है थीके? कौन सी स्टेट कहाँ पर है तो इसमें आप याद रख लो एस बी आई होलैंड एस बी आई होलैंड ओके निमोनिक्स से छोटे छोटे आप लर्न कर सकते हो ठीक है तो यानी स्विट्जरलैंड बी से बेल्जियम एंड आई से इटली एंड होलैंड ओके यहाँ पर एस बी आई होलैंड में क्या हो गया फ्रेंच आर्मीज मूव करने लग गई विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मीज बिगिन टू कैंडी द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म अबाउट जैसे ही पता लग जाता कि हाँ भाई अब यहाँ ठीक है रिवोल्यूशनर आ चुका है तो ये और आइडियाज नेशनलिज्म अब्रॉड अब्रॉड यानी और भी देशों में कैरी करने लग गई नो 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 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी ये बाकी है अब यहाँ पहली पिक्चर देखो और आपको क्या समझ आ रहा है और दूसरी पिक्चर देखो क्या समझ आए एकदम नीचे वाला देखो मन ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेपर में आपको पिक्चर दी रहेगी नीचे का बॉक्स बिल्कुल नहीं दिया जाएगा एंड हालांकि हम नीचे का बॉक्स पढ़ेंगे अब इस पिक्चर में देखकर आपको क्या पता लग रहा है आपको यहाँ लोग दिख रहे हैं भगदड़ करते हुए ठीक है एकदम भाग रहे हैं एंड ये जो एक हालांकि पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है बट लोग तो भागते हुए दिख ही रहे होंगे अगर ध्यान से देखो ठीक है एंड इनके हाथ में गन वगैरह है एंड धुआं वगैरह उड़ रहा है मतलब ये ठीक है तोड़फोड़ कर रहे हैं ठीक है अब कोई बिल्डिंग है तो मैं बता देती हूँ कौन सी बिल्डिंग है ये तो बेस्ट स्टाइल है ठीक है जब लोग दौड़े थे ठीक है जेल वगैरह बेस्ट स्टाइल जो था उसको तोड़ने के लिए इसमें ये है एंड यहाँ पर जो न्यू चीज सेटअप हो रही है ठीक है जब आफ्टर द यू नो जो नेशन स्टेट्स वगैरह बन गई थी तब तब पढ़ते हैं द कवर ऑफ द जर्मन एलमेंक डिजाइन बाय द जर्नलिस्ट ये कवर था बेसिकली ये कवर ये कवर जर्मन एलमैक ने डिजाइन किया था ठीक है द कवर ऑफ द जर्मन एलमेंक ठीक है एक जर्मन एलमैक बुक वगैरह होगी कोई तो उसका जो कवर था वो डिजाइन किया था एक जर्नलिस्ट ने जिन जर्नलिस्ट का नेम था एंड्रियस रेबमान सेवनटीन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने आपको बताया था दो इसमें पेंटिंग आर्टिस्ट के नाम बहुत फेमस है एक है फ्रेडरिक सोरी दूसरा यही है एंड्रियस रेबमैन बिल्कुल आपको बहुत पेंटिंग्स मिलेंगी जिसमें सबके नाम लिखे हैं लेकिन यही दो हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं ओके वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन सेवेंटी नेक्स्ट द इमेज ऑफ द फ्रेंच बेस्टाइल बीइंग स्ट्रॉन्ग अब यहाँ पर आपको फ्रेंच का जो बेस्टाइल था जो जेल था उधर लोग रिवोल्यूशनरी करने लगे ठीक है बहुत क्राउड होने लगा नेक्स्ट टू सिमिलर फोर्ट्रेस मीन टू रिप्रेजेंट द बेस्ट एंड डिस्पोटिक रूल इन द जर्मन प्रोविंसेस ऑफ द केसल आपको यहां पर दिख रहा है एंड केसल वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहीं पे जो जिसमे रूल है इसको हटाना था बेस्टाइल का यहाँ पर तोड़फोड़ चल रहा था फ्रेंच में ठीक है अ कंपनी द इलिस्ट्रेशन इज द स्लोगन द पीपल मस्ट एंड ये इस स्लोगन के साथ था ये जो लोग कर रहे हैं भगदड़ ये किस लोग स्लोगन से अटैच था कि लोगों को अगर फ्रीडम नहीं दी जा रही है तो लोगों को फ्रीडम छीन लेनी चाहिए और वो अपनी फ्रीडम यहाँ पर वही छीनने जा रहे हैं ठीक है थीके? ऐसा भी पूछा सकता है इस पिक्चर में मतलब किस स्लोगन से रिलेटेड आपको दिख रहा है तो बहुत सारे स्लोगन दे देंगे एंड आपको ये वाला करेक्ट है ओके रेबमेन लिव्ड इन द सिटी ऑफ द मेन्स अब यहाँ पर देख लो हम इसी से क्वेश्चन बना रहे हैं ठीक है लिव्ड इन द सिटी ऑफ द मेन्स एंड वॉज अ मेंबर ऑफ द जर्मन जैकोबिन ग्रुप रेबमेन जो थे वो कौन सी सिटी में रहते थे इंपॉर्टेंट है इनके बारे में ना एक एक कुंडली आपको अच्छे से उनकी पढ़ लेनी ठीक है ये इंपॉर्टेंट है कोई पेंटर इंपॉर्टेंट हो ना हो ठीक है मेन्स एंड अ मेंबर ऑफ द जर्मन जैकोबिन ग्रुप के ये मेंबर थे जर्मन जैकोबिन ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है केसर एंड एंड्रेस ये हो गया बुक का नाम भी आदि जर्मन एल ठीक है कोई होगी बुक अब यहाँ पर आ जाते हैं नेपोलियन अब किसके बारे आ जाते हैं नेपोलियन के बारे आ में जो कि आ जाते हैं भाई से इनका जो है दौर शुरू हो जाता है ठीक है ओके okay. यहाँ पर विद इन द वाइड स्वाथी ऑफ द टेरेट्री स्वाथी यानी बेसिकली आप कह सकते हो कंट्रोल या फिर मतलब uh, जो एक टाइप से जो टेरिटरीज हैं उनको साथ में लेकर आना ठीक है तो डेट केम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन तो नेपोलियन धीरे धीरे क्या कर रहा था फ्रांस फ्रांस को तो उसने फ्रांस को तो सबसे पहले उसने कब्जा किया था फ्रांस को फिर धीरे धीरे साथ में सभी कंट्रीज को अपने साथ वो अपने अंडर में ले रहा था ठीक है ये बहुत सारी कंट्रीज है ये अपने अंडर में आ गई ठीक है थीके? तो ये स्वाथी ऑफ द टेरिटरी टेरिट्री केम अंडर इज कंट्रोल नेपोलियन सेट इंट्रोड्यूसिंग द मेनी ऑफ द रिफॉर्म डेट ही ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस जो फ्रांस में आ, कुछ तो अच्छी चीज़ें पहले से हो रखी थी मतलब ऑब्वियसली बात है कुछ डेमोक्रेटिक चीज़ें पहले से हो रखी थी अब फ्रांस में तो पहले से डेमोक्रेटिक हो रखा था नेपोलियन आया उसने डिस्ट्रॉय कर दिया डेमोक्रेसी को ठीक है एंड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन अ फ्रांस ठीक है बट कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें भी की उसने कि हाँ जिसको देख के लगा कि और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो सुधर गया फ्रांस का ठीक है लोगों को तो बहुत पसंद आया ठीक है उसके जितने भी प्रिंसिपल्स थे सबने अडॉप्ट भी किए यहाँ तक कि जो दूसरे लोग थे ना दूसरे कंट्री के लोग थे वो भी चाहते थे कि नेपोलियन हमको कब्जा कर ले ठीक है हमारे पर कब्जा कर ले ताकि फिर वो जो लॉज बनाएगा वो हमारे पे भी लागू हो गए हैं वो बहुत अच्छे लॉज हैं ठीक है थीके? तो अब यहाँ नेक्स्ट है द सिविल कोड ऑफ एटीन हंड्रेड फोर यूजअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड सिविल कोड एटीन हंड्रेड फोर को हम बेसिकली क्या कहते हैं नेपोलियनिक कोड कहते हैं ठीक है सबको पता है ठीक है फिर भी हाईलाइट कर देते हैं यूजअली नोन एज अ अपोलिनिक कोड डिड अवे विद ऑल द प्रिज बेस्ड ऑन द बट अब जो जैसे तो राजा महराजा, राजा महाराजा का तो नहीं बोलेंगे अमीर घर के लोग जो होते हैं ठीक है उनके बच्चों को बचपन से राइट होता है ठीक है कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे एंड ये सब चीजें तो जो बर्थ से यह सब राइट मिलता है ना ये सब उनसे ले लिया गया ठीक है अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है ठीक है इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ भी दे कानून भी है सबको इक्वल के नज़र से देखेगा ये भी अच्छी बहुत अच्छी चीज हुई एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी में भी सबका इक्वल हिस्सेदार होगा ये चीजें तो सब कर लेते हैं ठीक है अब नेक्स्ट देखो उसने क्या न्यू चीज और की और कौन कौन सी कंट्रीज में की दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन ऑफ द अंडर द फ्रेंच कंट्रोल ये कोड कहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है पता है रीजन दे दिया जाता है ये रीजन पता क्या दे दिया जाता है आ, दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर यूके मतलब दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू यूके तो बच्चे ट्रू भी कर देते बट ऐसा नहीं है यूके में ये कोड नहीं एक्सपोर्ट किया जाता जितने भी फ्रांस के अंडर कंट्रोल में जितने भी स्टेट आते हैं हर जगह ये लागू किया जाता है हर जगह एक्सपोर्ट किया जाता है उसे ठीक है अब यहाँ नेक्स्ट देखो कि कौन कौन सी कंट्रीज पे और इसे लागू किया गया इन द डच रिपब्लिक इन द स्विट्जरलैंड इन द इटली एंड जर्मनी नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स यहाँ पर भी आप देख सकते हो आप बना सकते हो इसका निमोनिक एस डी आई जी ओके डी आई जी बना लो बिल्कुल याद रखो आप ठीक है वहाँ एस बी होलैंड था या डी है ठीक है दो तीन बार जस्ट जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना मैं मेरा, मेरा हमेशा यही रहता है इन एवरी वीडियो जस्ट आई यूज टू से दिस कि जैसे मैं आपको समझा रही हूँ बस किसी और को किसी दो एक्स्ट्रा बंदे को आप ऐसे और समझा दो अच्छे से ठीक है और सही समझाना है ठीक है जैसे विद द निमोनिक्स एंड विद द हाईलाइटिंग एवरी तो आप एकदम प्रिपेयर हो जाओगे ओके इन द डच रिपब्लिक इन द स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड द जर्मनी तो डी आई जी डच रिपब्लिक इटली एंड जी जर्मनी ठीक है एंड स्विट्जरलैंड एक्स्ट्रा कर लो ठीक है स्विट्जरलैंड तो हरी जगह पे घुस जाता है ओके नेपोलियन सिम्पलीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अब उसने क्या किया जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ये सब चीज़ें तो आपको याद ही रहेगी कि बेस्ड ऑन बर्थ इस्टेब्लिश इक्वालिटी अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी की जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं ठीक है बस मैं फर्स्ट यहाँ पर मार्क कर देती हूँ आप भी मार्क कर लो ठीक है ये चीजें ओके okay. पहली चीज़ है यहाँ पर कि उसने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थे ना मतलब जितने भी जैसे कानूनी कार्रवाई होते बेसिकली ठीक है तो उन सबको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया ठीक है थेके? अब सिंपली आप एडमिनिस्ट्रेटिव को और भी कुछ बोल सकते हो ठीक है जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग के लिए मैं आपको समझा रही हूँ एग्जाम्पल दे रही हूँ ठीक है उनने क्या किया फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम जो भी फ्यूडल सिस्टम था इसको हटा दिया ठीक है मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो पीजेंट्स को फ्री कर दिया गया लैंड ओनर्स के अंडर में फ्रीडम जो लेबर्स हैं वो काम नहीं करेंगे उनका जो पहले का सारा कर्जा था वो माफ़ कर दिया गया सर्वडम कर दिया गया लेबर्स को फ्री कर दिया गया ऑब्वियसली बात सब का है सबका ही की मतलब निकल रहा है यहाँ पर ठीक है ये सारी चीज़ें अब इज द फ्यूडल सिस्टम फ्यूडल सिस्टम क्या था कि अब वो उसके अंडर में काम कर रहा है ठीक है एक पीजेंट लैंड ओनर के अंडर में काम कर रहा है और यहाँ तक कि लैंड ओनर पैसा भी नहीं दे रहा ढंग से ठीक है तो इस सबको एबॉलिश कर दिया गया कि भाई फ्यूडल सिस्टम कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा ठीक है सर्व डम सर्व डम यानी सर्व आप किसी को सर्व कर रहे हो मतलब आप किसी लिए अच्छी चीज़ कर रहे हो आप लेबर को फ्री कर रहे हो ठीक है मेनोरियल डेउ उनके सबके सारे कर्जे वगैरह माफ कर दिए गए ये चीजें आपको याद रखनी है तो कोई भी याद रख लेगा कि स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लो राइट टू तो प्रॉपर्टी ये चीज याद रखो ना फ्यूडल सिस्टम अब एक और चीज़ की थी बस एक लास्ट एक चीज और इसने अच्छी कर दी थी ठीक है हालांकि और भी चीज़ें हैं वो कॉमन है बट ये जो मेन मोटी मोटी चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है ठीक है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर इम्प्रूव गिल रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया रिमूव कर दिया गया कैसे जो टाउन्स में क्या होता है कि जैसे अमीर अमीर लोग हैं अमीर अमीर लोग क्या करेंगे ना साथ में ग्रुप्स बनाकर जैसे अपना बैठा बैठा करते रहते हैं ठीक है कि हाँ भाई इसके तो जब वो लोग ये चीज़ करेंगे ना तो क्या पता वो किसी के खिलाफ कुछ आ, किसी जैसे नेपोलियन के खिलाफ ही कुछ आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हो तो जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे ना जो स्मॉल ग्रुप्स ये लोग बनाते थे इसको हटा दिया गया ये कुछ भी नहीं होगा ठीक है सब अपना अपना काम से मतलब रखें कोई ऐसा नहीं होगा कि अमीर अमीर एक ग्रुप में बना के रखे एंड गरीब गरीब एक ठीक है और पूरे सब अमीर मिलकर जो है एक किसी के ऊपर राज चलाए ऐसा कुछ भी नहीं होगा ठीक है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया ये भी कोई बताने की चीज है ऑब्वियस सी बात है नेपोलियन आया ये सब तो करेगा पीजेंट आर्टिशियन वर्कर्स न्यू बिजनेस मैन ये सब कहते हैं अ न्यू फाउंड फ्रीडम इनको ना एक अलग ही मजा मिला कि हाँ इनको लगा कि एक अलग ही आज़ादी है ये देखो ये हो गया ये कंट्री देख रहे हो ऑब्वियसली बात है कि इस चैप्टर से कोई भी मैप नहीं आता है यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना अगर यहाँ लिखा है एक बार यूरोप को देख लो तो आप देख लो कि कांग्रेस ऑफ येना ऑब्वियसली बात है अभी कांग्रेस ऑफ वियना वियना पढ़ेंगे उसके बाद ही यूरोप को ये वही यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है ठीक है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छा है जो है पिक्चर है इसके बारे में बहुत मस्त है ठीक है बिजनेस मैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉ यूनिफॉर्म लॉ स्टैंडरइज वेट एंड मेजर्स एंड द कॉमन नेशनल करेंसी वुड फेसिलेट द मूवमेंट एक्सचेंज ऑफ द गुड्स अन्पिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर ये सारी चीज़ें एक तरीके से अच्छी हुई हैं ठीक है ऑब्वियसली बात है बिजनेस मैं स्मॉल स्के, स्केल प्रोड्यूसर्स थे ये थोड़े पढ़े लिखे थे इनको सब कुछ समझ आ रहा था कि हाँ एक यूनिफॉर्म लॉज हो गया स्टनडराइज वेट एंड मेजर हो गया है, एक कॉमन करेंसी हो गई वो फैसिलेट द मूवमेंट एन एक्सचेंज ऑफ द गुड अब इससे क्या होगा और अच्छा होगा मतलब लोग पहले तो बोरिंग टाइप से लगता था ना कि हाँ हर जगह करेंसी चेंज होती रहती है अगर फ्रांस में जाते हैं यहाँ तो बहुत करेंसी चेंज होती है यहाँ हम अपना गुड नहीं देंगे ठीक है अपने गुड्स तो अब ये चीज कॉमन हो गई तो गुड्स का और एक्सचेंज होगा ये सारे अच्छे फायदे हुए हाउवेर इन द ए एरिया कॉन्कर्ट द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल्स वर मिक्सड अब यहाँ कहता था द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच वर द मिक्सड जितने भी जो लोकल पॉपुलेशन थे लोकल पॉपुलेशन वगैरह अब सब ऑब्वियसली बात है आप सब मिक्स हो चुके थे ठीक है फ्रांस में दो दो बार न्यू रिफॉर्म्स लेकर गए लाए गए और वो दोनों ही बार रिफॉर्म्स बहुत अच्छे थे एक बार फ्रेंच के रूलर्स ने लेकर आए और एक बार जब नेपोलियन आ गया था तो उसने डेमोक्रेसी को भले ही डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसने लाया इनिशियली इन मेनी प्लेसेस अब कुछ इनिशियली uh, बहुत uh, कुछ प्लेसेस हैं होलैंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज सर्टन सिटीज़ लाइक बरूसल्स मेन्स मिलेन वार्सो आपको पता है देखाज है वो हर जगह जगह पर जा रही थी इन, इन जगहों पे जा रही थी ना पोलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड एंड इटली के कुछ शहरों में जा रही थी तो ये फ्रेंच आर्मीज क्यों जा रही थी अपना आइडिया जो जो भी आइडिया से ये लोग रिवोल्यूशन ये फ्री हुए हैं सुबर्निटी आई है इसी आइडिया को एक्सप्रेस करने जा रहे थे तो बस यहाँ पर क्या है कि आ, वही बताया कि जो ब्रूसेल्स मेन्स मिलान ये जो फ्रेंच आर्मीज़ है इनको हार्डविंगर्स ऑफ लिबर्टी का कि मतलब हाँ भाई यही हमारे देवता है मतलब फ्रीडम के यही मतलब इन्हीं से सब कुछ होना है बस ठीक है तो हार्डविंगर्स ऑफ लिबर्टी इसी कहा गया था ठीक है कि ब्रूसेल जो फ्रेंच आर्मीज़ को कहा गया था किन्हें कहा गया था फ्रेंच आर्मीज को कहा गया था, था? था और कौन कह रहा था ब्रूसेल्स मेन्स मिलन वर्स ये सारी कंट्रीज़ इनको कह रही थी ओके कैपिटल्स है बेसिकली कंट्रीज नहीं है ओके बट द इनिशियल एंथोसियाजम अब यहां पर आपने मेन्स कहाँ पढ़ा है मुझे ये बताओ मेन्स अगर आपने मन में करेक्ट आंसर दिया है तो बिल्कुल सही आप करेक्ट आंसर देखो ठीक है बिल्कुल सही एंडमेन में यहां पर आपने पढ़ा था ये तो बहुत ऊपर ही आ गया ये, ये देखो यहाँ पर ये ये मेन्स ठीक है वो कहां रहते थे सिटी ऑफ मेन्स में रहते थे ओके आई होप आपको क्लियर हो छोटी 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 चीज जो है ना जो मैं मार्क करवा रही तो बिल्कुल याद रख लेना ठीक है तो ये चीज़ हो गई बट द इनिशियल एंथोसियाजम सून टर्न इन टू हॉस्टेलिटी बट वो पहले तो बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ भाई हार्पिंगर्स ऑफ लिबर्टी अब नेपोलियन हमारे यहाँ भी आ जाए और बस मस्त ऐसे रिफॉर्म्स आ जाए ठीक है बट ये धीरे धीरे हॉस्टेलिटी में टर्न हो गया गुस्से में टर्न हो गया लोग इस चीज से और गुस्सा होने लगे उनको अजीब सा लगने लगा ठीक है चिड़ सी हो गई ठीक है एज इट बिकम द क्लियर डिट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पोलिटिकल फ्रीडम ठीक है ये पोलिटिकल फ्रीडम के साथ नहीं जा रहे हैं मतलब नेपोलियन जो है वो फ्रांस को जैसे बोलते हैं ना कि मम्मी पापा आप लोग ऐसा होता होगा ठीक है कि बड़े को ज्यादा हो रहा है छोटे को नहीं हो रहा है छोटे को ज़्यादा हो रहा है बड़े को कम थोड़ा प्यार मिल रहा है ठीक है कपड़े मिल रहे हैं ये सारी चीज़ें तो भाई यह सेम हो रहा था कि भाई नेपोलियन फ्रांस पे ज्यादा ही कुछ लुटा रहा है ठीक है अपना सब कुछ और हमको जो बाकी कंट्रीज है उनको भी दे रहा है मतलब टैक्सेशन टे, वगैरह सब इंप्रूव हो रहा है बट उतना नहीं हो रहा है ठीक है इंक्रीज टैक्सेशन सेंसरशिप फोर्ड कॉन्स्क्रिप्शन इन टू द फ्रेंच आर्मीज अब यहाँ देखो फ्रांस को छोड़कर फ्रांस को छोड़कर बाकी जितनी कंट्रीज को नपोलियन नेपोलियन के साथ चलाक था नेपोलियन ने जितनी कंट्रीज को हमने यहाँ पे देखा ना कि जितनी कंट्रीज को इसने पकड़ रखा था सब कंट्रीज के टैक्स बढ़ा दिए ठीक है सेंसरशिप बोल दिया कि भाई कोई भी मेरे खिलाफ न्यूज बुक्स कहीं भी कुछ भी नहीं छापेगा और फोर्स कंस्क्रिप्शन कर दिया यानी कि दूसरे कंट्रीज के छोटे बच्चे अब जैसे बड़े हो रहे हैं बड़े होकर वो आर्मीज में जा रहे हैं तो उन बच्चों को फ्रेंच की आर्मीज में डलवा दिया ठीक है ठीक है कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप अब ये चीजें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा गुस्सा दिलाएगा तो बाकी चीजें सब अच्छी हो रही थी ये सारी चीजें कुछ अच्छी नहीं हो रही थी ठीक है ऑल सीम टू आउट वेज एंड द एडवांटेज ऑफ द कुछ एडवांटेज ऑब्वियसली बात है कि आपको यहाँ दिख रहा है कि फायदा कि फ्रांस को थोड़ा सा कुछ फायदा मिल रहा है अब ये जो फोटो दिख रही है ना ये नेपोलियन ही है इनको एकदम मार्क कर लो अब फोटो तो बिल्कुल मार्क नहीं कर सकते लेकिन ऐसे एकदम स्टार लगा लो ये फोटो का तो बस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेडरिक सोरे के फोटो से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये फोटो है ओके अब हालांकि ये भी देख लेते हैं आपको दिख रहा है यहाँ पर कि सब ऐसे भीड़ लगाए हुए हैं ठीक है कुछ उल्टा जा रहा है ऑब्वियस ही बात है कि भाई नेपोलियन आया इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया सब ढोल वगैरह बजा रहे हैं कि भाई फ्रीडम आ गया हार ऑफ लिबर्टी तो बस बिल्कुल ये प्लांटिंग ऑफ ट्री लिबर्टी इन द दिक ब्रकन ठीक है जर्मनी में ओके okay, जर्मनी में ये उत्साह मच रहा है कि हाँ अब फ्रीडम आएगा फ्रीडम आएगा क्योंकि नेपोलियन आ गए हैं द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन कैस्पर कार्लैस्ट्रेस ने यह पेंट किया है इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ओके इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द द टाउन ऑफ दर्मन बाय द फ्रेंच आर्मीज ओके तक तो बस बता दिया है जो फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब जो यहां पर आपको ब्लू व्हाइट और रेड यूनिफॉर्म्स में दिख रहे हैं ये आपको ब्लू यूनिफॉर्म uh, में दिख रहे हैं ये आपको ब्लू यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं ये देख रहे हो ना जो चढ़े हुए हैं ब्लू यूनिफॉर्म में व्हाइट यूनिफॉर्म में जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये कौन है फ्रेंच के सोल्जर से कौन है फ्रेंच के सोल्जर जो एकदम ऊपर चढ़े हुए हैं ठीक है मतलब इनको बहुत ही ज्यादा लिबर्टी फ्रीडम मिल गई हैव बीन पोर्ट्रेट एज द ऑपरेसर एज द सीज द पर्सन क्राफ्ट लेफ्ट ठीक है अब यहाँ को आप, आपको ऑपरेसर दिख रहे हैं ठीक है जो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पोर्ट्रेट एज द ऑपरेसर एज द सीज द पीजेंट लिफ्ट हार्सेस केम द यंग वुमेन फोर ग्राउंड एट द फोर्स पीजन डाउन टू द नीज कुछ नीज पे बैठे हुए हैं मतलब ऑब्वियस ही बात है कुछ को हॉस्टेलिटी लग रहा था कुछ को बहुत फ्रीडम मिल रहा था फ्रांस को तो इतना ज्यादा फ्रीडम मिल रहा है इसलिए इतना ऊपर चढ़े हुए हैं ठीक है तो यहाँ पर ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ने का नहीं देखना है आपको देखना है कि कितने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर फ्रीडम मिल रहा है फ्रांस के लोगों को ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है ठीक है द प्लेग बी एफिक्सड टू द ट्री ऑफ लिबर्टी कैरीज अ जर्मन इंस्क्रिप्शन विच एंड ट्रांसलेट रीड टेक अ फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस ठीक है अभी यहां पर जो बोर्ड के बारे में बताया कि जो लिखा हुआ है कि टेक अ फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ द ह्यूमैनिटी ठीक है टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ द ह्यूमैनिटी यही चीज है मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रीडम एंड इक्वालिटी ठीक है दिस इज द सर्कैस्टिक रेफरेंस टू द क्लेम ऑफ द फ्रेंच एज बिंग द लिबरेटर हु अपोज मनार मोनार्की ठीक है दिस जिससे आपको पता लग गया इस पिक्चर में बेसिकली है क्या जाहिर सी बात है अपना एक क्वेश्चन तो वेस्ट नहीं करेंगे इस पिक्चर पे ओके नेक्स्ट अब यहां पर देखो ये चीज मैं इसलिए सब कवर कर रही हूं इंपॉर्टेंट हो सकते कभी भी किसी का पता नहीं कि आ कुछ भी आ सकता है एग्जाम में अब यहां देखो ये जो फोटो है ना ये है नेपोलियन भाई साहब ठीक है एंड इन्होंने एक बैग है जिसके अंदर से लेटर्स निकल रहे हैं और ये लेटर्स में बेसिकली लिखा गया सबको पता है लेटर्स निकल रहे हैं ठीक है बट ये क्या बेसिकली इन लेटर्स में लिखा गया द कोरियर ऑफ द राइंड इनको पता क्या किया गया लेटर्स निकल रहे हैं और लेटर कौन ले जाता है कोरियर वाला ठीक है तो इनको कोरियर कह दिया गया है कि ये राइन लैंड के कोरियर है राइन लैंड जर्मनी में ठीक है तो ये राइन लैंड के क्या है कोरियर कोरियर कैसे कि जितना भी ये सब कुछ हारे हैं जितना भी इनकी जर्नी रही है अब तक ठीक है वो सब इनके एक तरीके से इन्होंने इस पेपर पे सब कुछ लिखा है लेटर पे एंड वो सब उड़ के गिर गिर जा रहा है ठीक है ये इनके लूजेस हैं ठीक है लूजेस ऑल डेट ही इज ऑन इज वे फ्रॉम द लिपिजिक ठीक है लिपज कोई आई थिंक वॉर वगैरह थी ठीक है जिसमें ये हार गए थे एंड ये सब इन्होंने इस इस, पर इन्होंने लिखा हुआ है एंड ये सब नीचे गिर रहा है ठीक है इनके सारे लूजेस सा, जो भी इन्होंने हारा वगैरह है ठीक है नेपोलियन हेयर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन एक पोस्टमैन की तरह उनको रिप्रेजेंट किया गया है ऑन इज वे बैक टू द फ्रांस आफ्टर लॉस द बैटल ऑफ द लिपिक्स इन एटीन थर्टीन जब एटीन थर्टी में ये आ, हार गए थे जो लिपिक्स की लड़ाई थी तो फ्रांस तो ही बात है ये बैटल हार गए लिपिक्स को हार गए तो ये जितनी भी इनकी सब कुछ है ये गिर रहा है नीचे ठीक है ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिस बैग द नेम ऑफ द टेरिटरी ही लॉस्ट जो भी लेटर इनमें गिर रहा है इनमें नाम लिखा हुआ है किसका जो कंट्रीज इन्होंने अपने अंडर में ली थी अब वो सब ऑब्वियस बात है लड़ाई हार गए सब छूट गए तो ये सारी चीजें ठीक है उन सब का नाम लिखा हुआ है ये सब अब लूज कर चुके हैं आई होप आपको समझ आएगा ना बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करके एक और बार देख लेना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही और ऑब्व्यस बात है अब यहाँ पे शुरू हो रहा है सेकेंड द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ऑब्वियसली बात है ये बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसको ऑब्वियसली बात है हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का कंप्लीट करेंगे आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा आपने अच्छे से जो है सब कुछ रिवाइज किया होगा ओके सो पिक्चर्स जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको कर लेना है ठीक है ये चीज एक और मार्क कर लो यहां दिखिए मेरे को ये चीज ओके तो बस जस्ट इसको एक दो बार देखो अगर एक दो बार नहीं देखी जाती है तो किसी को समझाओ ठीक है आपको उससे बहुत अच्छा रिवीजन होगा ये पार्ट वन यहां पर हम कंप्लीट करते हैं ऐसे ही हम बनाएंगे पार्ट टू ऑफ द नेक्स्ट तो इसका जो सेक्शन टू है इसी से ओके okay? एंड इसमें भी हम सब कुछ देखेंगे ए टू जेड अभी हम कहां छोड़ के गए थे कि भाई अब नेपोलियन हार चुका है एक स्टोरी की तरह लेकर चलना अब नेपोलियन हार चुका है फ्रेंच आर्मीज फिर भी आइडियाज अपने फैलाई जा रही है फैलाई जा रही है और एक कौन सी लड़ाई में आ रहा था लिपिक्स के टाइम में ला था बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको कोरियर किसका था राइनलैंड का लिपिक्स अगर आपको नोट बनाना है तो आप नोट बना लो ठीक है नोट्स में बस ये लिखना काम चल जाएगा ठीक है इतनी भी चीजें लिखोगे मस्त डालकर तो हो जाएगा बस खुद को समझ आए ऐसे नोट्स बनाना हमेशा ऐसा नहीं करना कहीं से चेप कर लिखना है ठीक है और अगर नहीं बनाए जा रहे तो जहाँ से आप नोट्स लिख रहे हो तो यू कैन बोल सकते हो कि हाँ समझाओ समझ के ही नोट्स लिखे जाते हैं ओके ताकि वो आपको समझ आए जब आपको इसका जरूरत पड़े ओके सो तो ये वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं मिलेंगे पार्ट टू वीडियो में